नमस्कार जनते में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे पाकिस्तान की सियासत की। पाकिस्तान में चुनाव जरूर हुए लेकिन गड़बड़ी के साथ। दुनिया के तमाम मीडिया ग्रुप्स हो या फिर जाने माने मीडिया रिपोर्ट्स हो, सब में एक ही बात कही गई है कि पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा। खैर, उनका अपना मुल्क है, लेकिन क्या वाकई वहां अगर कोई हरकत या इस तरह की चीज होती है तो उसका असर एशिया में, दुनिया में और निकटवर्ती या जो उनके नेबर कंट्रीज हैं उन पे क्या? इसी को लेकर के आज हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार पैनलिस्ट हैं, डॉक्टर करोड़ी सिंह जी, राजस्थान यूनिवर्सिटी के एशियन स्टडी सेंटर के डीन रहे हैं। डॉक्टर करमवीर सिंह जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। हमारे साथ सेना के पूर्व अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल एसपीएस कटेवा साहब हैं, सभी का स्वागत है। मैं करोड़ी सिंह साहब आपके पास में आना चाहूंगा। मैं देख रहा था 1970 में भी इसी तरह की स्थितियां की गई थी। अंतर इतना है कि उस वक्त पूर्वी पाकिस्तान के अंदर हालात खराब हुए थे और अभी जो जनता सड़क पे विरोध या विद्रोह कर रही है वो पश्चिमी पाकिस्तान में हो रहा है। तो 70 के आसपास वापस पाकिस्तान पहुंच गए, या फिर ये कहें कि बहुत जल्दबाजी होगी किसी भी तरह के रिएक्शन के लिए और वो उनका अंतरिम मामला है, वो शायद निपटा लेंगे, क्या माने इसे हम? देखिए योगेंद्र जी, 2024 पूरे दक्षिण एशिया के लिए चुनावी वर्ष है और दक्षिण एशिया के देशों में प्रजातंत्र के 3 अलग अलग स्वरूप उभरे हैं। उसमें भारत और श्रीलंका में एक प्रतिस्पर्धात्मक प्रजातंत्र है, भूटान नेपाल में एक प्रेरणा से प्रजातंत्र आया है और बांग्लादेश और पाकिस्तान में है वो एक संक्रमणकालीन प्रजातंत्र है अभी भी। और बांग्लादेश और पाकिस्तान और भूटान में अभी चुनाव ये है, भूटान का चुनाव उतना कंट्रोवर्शियल नहीं है लेकिन बांग्लादेश और पाकिस्तान के दोनों ही चुनाव बहुत कंट्रोवर्शियल है। पाकिस्तान के चुनाव के लेकर राजनीतिक विश्लेषकों और ऑब्जर्वर्स का ऐसा ओपिनियन है कि पाकिस्तान के चुनाव में बहुत ज्यादा रिगिंग हुआ है, सेना का इन्वॉल्वमेंट रहा है और यहाँ तक कि एक राजनीतिक दल के नेता को जेल में डाल दिया गया और उस राजनीतिक दल की मान्यता भी खत्म कर दी गई। इसको लेके पूरी दुनिया में सरोकार रखा गया है। लेकिन अभी जो चुनाव प्रक्रिया जिस रूप में भी और जिस परेशानी दौर से गुजर के संपन्न हुई उसमें दो प्रांत में बहुत ज्यादा हिंसा हुई है, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में। लेकिन इससे हम ये नहीं मान सकते कि पाकिस्तान में पूरी प्रजातांत्रिक प्रक्रिया ही क्वेश्चन पे है, क्योंकि इसके कुछ सकारात्मक पक्ष भी उभरे हैं और ये सब कुछ होते हुए भी। तो पहले तो नकारात्मक पक्ष को देखा जाए तो जिस तरीके से चुनाव हुए उस पे संदेह व्यक्त किया जाता है, सेना का निश्चित रूप से किसी न किसी रूप में इन्वॉल्वमेंट रहा है और चुनाव के रिजल्ट आने के बाद में सेना के जो आर्मी चीफ हैं उनका स्टेटमेंट आना कि ध्रुवीकरण नहीं होना चाहिए, अराजकता की तरफ नहीं जाना चाहिए, राजनीतिक दलों को कुछ करना चाहिए, ये एक अच्छा लक्षण नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा स्टेटमेंट देना है तो वहां के राष्ट्रपति से आना चाहिए था या वो जो एक्टिंग गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर है उनकी तरफ से आना चाहिए था। तो सेना वहां बिल्कुल इन्वॉल्व्ड है किसी न किसी रूप में, लेकिन ऐसी स्थिति में जो रिजल्ट आए उसमें क्या हो सकता है और क्या इसमें अच्छाइयां हैं, ये दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण है। तो जो अभी प्रयास चल रहे हैं वो बेनजी बिलावल भुट्टो जरदारी की पार्टी पीपीपी और पीएमएल एक अलायंस बनाने का, क्योंकि ये प्री पोल अलायंस तो था नहीं यद्यपि पहले की गवर्नमेंट में दोनों सम्मिलित थे, लेकिन एक कोलिशन गवर्नमेंट का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन उसमें जरदारी एक टफ नेगोशिएटर हैं और जो शरीफ ब्रदर्स हैं वो बहुत जल्दबाजी में हैं। तो ऐसी स्थिति में वो शरीफ को प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयार नहीं होंगे और बिलावल भुट्टो प्रधानमंत्री के लिए आगे करेंगे उसको, क्योंकि वो विदेश मंत्री रह चुके हैं और अब उससे एलिवेट होना चाहेंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है कि पंजाब प्रांत में जो सबसे बड़ा प्रांत है
जो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था और राजनीति में भूमिका निभाता है, वहां मरियम शरीफ को, जो बेटी है नवाज शरीफ की, उसको चीफ मिनिस्टर में पीपीपी सपोर्ट कर सकती है और उसके बदले ये कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री बिलावल को बना दिया जाए। लेकिन दूसरी तरफ एक जो कानूनी पक्ष बड़ा महत्वपूर्ण है, वो तो कानूनी पक्ष यह है कि जो इमरान खान की पार्टी है पीटीआई, उनके कैंडिडेट्स ने इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा और पाकिस्तान ने के आवाम ने उनको ज्यादा वोट दिए, नंबर वन पार्टी आई है, तो वो किस तरह से क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि कानूनी दृष्टि से वो पार्टी नहीं है। और दूसरा यह कि अगर कानूनी दृष्टि से पार्टी नहीं है तो वो जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है उसकी सीटें का भी क्लेम नहीं कर सकते, तो वो तो आउट हो गई इसके नेगोशिएशन की प्रक्रिया से। लेकिन एक अलग पक्ष जो उभर के सामने आ रहा है वो पीपीपी और पीएमएल का वैचारिक डिफरेंस ज्यादा है, जबकि पीपीपी और इमरान खान के राजनीतिक दल में वैचारिक डिफरेंस कम है, लेकिन वो समझौता नहीं कर सकते। अब इसका सकारात्मक पक्ष क्या हो सकता है? देखिए, पाकिस्तान के आवाम ने ये स्पष्ट कर दिया है कि वो किसी भी बदले की राजनीति का समर्थन नहीं कर सकते हैं। इमरान खान के साथ हुआ, बिना उसके एक्टिव हुए इतना समर्थन देना, पाकिस्तान की जनता ये कह रही है कि बदले की राजनीति प्रजातंत्र के लिए अच्छी नहीं है। दूसरा सकारात्मक पक्ष यह है कि सेना की भूमिका के अगेंस्ट में पाकिस्तान का आवाम है, वो नहीं चाहता कि सेना की भूमिका हो। तीसरा महत्वपूर्ण पक्ष है वो यह है कि कोई भी विदेशी हस्तक्षेप किसी भी रूप में राजनीतिक प्रक्रिया में वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो कुछ सकारात्मक पक्ष उभर कर सामने आए हैं। और एक अन्य जो चौथा पक्ष है वो जो अतिवादी तत्व हैं इस्लामीकरण और इस्लाम वाले, उनको भी पूरी तरह से नकार दिया है। तो कुछ सकारात्मक पक्ष हैं, लेकिन जैसे भी गवर्नमेंट बने, जैसे भी सरकार बने, उसके सामने कुछ चुनौतियां होंगी। वापस लौट रहा हूँ आपके पास में। मैं करमवीर जी का रुख करना चाहूंगा। करमवीर जी, क्या लगता है, क्योंकि बहुत सारी जगह डायलॉग भी चल रहे हैं, बांग्लादेश जो पाकिस्तान से अलग हुआ वहां पे भी हालात कुछ इसके आसपास ही कहे जा सकते हैं, क्योंकि वहां के अपोजिशन ने बायकॉट किया वहां के इलेक्शन का, और अभी भी अस्थिरता कहीं पे भी पड़ोसी देश में होती है तो उसका कोई पड़ोसी मुल्कों पे उसका कुछ असर आता है? देखिए योगेंद्र जी, इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि अगर प्रजातांत्रिक व्यवस्था गड़बड़ाएगी पड़ोसी देशों में तो जो दूसरे देश है उनको भी वह प्रभावित करेगी। लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश का जिसका आपने जिक्र किया है, वहां पर राजनीतिक अस्थिरता का एक कहेंगे कि लंबा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। आजादी के बाद से ही सही आप बांग्लादेश में देखेंगे तो 15 साल तक मिलिट्री रूल रहा है। ऐसे ही पाकिस्तान में भी जो है कई बार सिविलियन गवर्नमेंट को उखाड़ फेंका गया मिलिट्री गवर्नर्स के द्वारा। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप देखें दोनों का एक तो ट्रैक रिकॉर्ड इस तरह का है। दोनों ही देशों में जो सबसे बड़ी समस्या है, दोनों में जो समानता मुझे लगती है वो है कि दोनों ही पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों में ही वहां का जो इलेक्शन कमीशन जो है वह इंडिपेंडेंट नहीं है, वो निष्पक्ष नहीं है, और उसकी निष्पक्षता के ऊपर दोनों में ही सवाल खड़े होते रहे। बांग्लादेश में आप देखेंगे कि उस इलेक्शन कमीशन किस निष्पक्षता की सवालिया जो लगते रहे, उसी दौरान एक कॉन्सेप्ट लाया गया वहां पर केयरटेकर गवर्नमेंट का 90 में, और केयरटेकर गवर्नमेंट लाया गया। उसके बाद आप देखेंगे कि जब ये शेख हसीना की सरकार आई तो उन्होंने उसको हटा दिया और कहा कि जो सरकार चुन के आई है वो ही अपने कार्यकाल में चुनाव करवाएगी, और उस व्यवस्था का विरोध करते हुए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करके और केयरटेकर गवर्नमेंट सिस्टम को वहां से 2013 में हटा दिया गया। इसके ऊपर ऑब्जेक्शन था वहां की अपोजिशन का, उन्होंने कहा कि हम जो रूलिंग गवर्नमेंट है शेख हसीना की, उसके लीडरशिप में यहाँ पर सरकार में अगर कोई चुनाव होते हैं तो उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। एक में किया भी हुआ, उसमें धांधली कितनी हुआ, दूसरे का इन्होंने बायकॉट ही किया है। सो वहां पर 2008-09 के बाद से इस तरह की सिचुएशन है, 8 दिसंबर 2008 में जो इलेक्शन हुए उसके बाद से। रही बात पाकिस्तान की पार्लियामेंट में, चाहे वो इमरान खान की पार्टी हो, चाहे नवाज शरीफ की और पीपीपी हो, इन तीनों ने मिलकर के जो है ये तय किया कि एक केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए। सो उनकी उसके ऊपर दोनों की सहमति थी। अब वहां के केयरटेकर जो प्राइम मिनिस्टर है मिस्टर कक्कर, उनका स्टेटमेंट आया है इलेक्शन के बाद, कहा कि एक चीज को मैं एडमिट करना चाहूंगा कि पाकिस्तान में भी
एक रोबस्ट एंड फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन होना चाहिए। यानी कि इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट नहीं है, इसकी वजह से ये सब धांधलियां हो रही, इसकी वजह से इस तरह की जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं वहां के इलेक्टोरल प्रोसेस के ऊपर, वहां की। अच्छा, आर्मी का रोल जो है, भारत की तरह पाकिस्तान की आर्मी प्रोफेशनल आर्मी नहीं है, उनका भी एक लंबा इतिहास रहा है जो सिविलियन अफेयर्स में, पॉलिटिकल अफेयर्स में इंटरफेयर करने का। और जाहिर सी बात, इस बार भी वो चाहते हैं कि वो जो भी सरकार बने वो ऐसी सरकार हो जो वहां की आर्मी की बात को सुने। सो रियल पावर जो है वो आर्मी के हाथों में रहे। अगर आर्मी क्योंकि जो है इस तरह क्योंकि की बिहेव, जनरल मुनीर के लिए ये कहा जाता है कि नवाज शरीफ के साथ में वो कंफर्टेबल हैं, और ये भी जानकारी आ रही है दुनिया के मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कि बाकायदा काउंटिंग को रुकवाया गया जब लगातार इमरान के निर्दलीय लड़ाके ही कहूंगा मैं एक तरह से, वो लगातार जीत रहे थे, उनके पॉजिटिव उनके पक्ष में जब माहौल दिख रहा था तो ये रुकवाया गया। और जो अभी करोड़ी सिंह जी जिक्र कर रहे थे कि बलूचिस्तान और दूसरे प्रांत में वो इमरान के काफी गढ़ के रूप में देखे जाते हैं, वहां सबसे ज्यादा स्थिति हिंसक भी हुई है, उससे पहले भी हुई है, और अभी भी ये माना जाता है कि सेना का दखल, 8 घंटे तक काउंटिंग रुकवाई गई और रिजल्ट डिस्टर्ब किए गए। एक सीट से नवाज शरीफ पीछे भी चल रहे थे, एक सीट से उन्हें जिता दिया गया। तो कुछ इस तरह की चीजें हैं। मैं थोड़ा शॉर्ट में चाहूंगा इसमें कि अगर ऐसी खबरें लोकतंत्र को देख करके अगर कहीं आती हैं तो एक किरकिरी की स्थितियां बनती हैं, क्योंकि सेना का दखल काफी है, और मुनीर के लिए भी यही कहा जाता है कि वहां की न्यायपालिका, सेना, इलेक्शन और जो गवर्नमेंट अभी वहां पे जिसको बनाया हुआ है एडोक, वो तमाम लोग कटघरे में हैं कि किसी ने भी लोकतंत्र की परवाह नहीं की है। देखिए योगेंद्र जी, इमरान खान जो है वो भी पहले मिलिट्री के ही चहेते थे। जो वो पावर में आए उस समय आरोप लगे कि मिलिट्री के चहेते हैं, बाद में उनकी भी दुश्मनी उनके साथ में हो गई। नवाज शरीफ को तो कई बार मिलिट्री जो है बाहर देश से भगा चुकी है, उनको उसको तो पावर से निकालने वाले हैं मिलिट्री वाले। जनरल परवेज मुशर्रफ जो है उन्होंने तख्ता पलट किया था उनकी सरकार का। उनकी भी मिलिट्री के साथ कहीं की कोई गहरी दोस्ती हो इस तरह का नहीं कहा जा सकता। इनफैक्ट नवाज शरीफ की पार्टी में भी इस तरह के सुर जो है उठ रहे हैं कि नवाज शरीफ की बजाय शहबाज शरीफ जो है उसको प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहिए। आसिम जावेद ने जारी किया इसको लेकर के, और उसमें भी जो है असमंजस है। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी है, वो भी बिलावल भुट्टो को प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहती है गठबंधन सरकार में, ना कि नवाज शरीफ को। पीएम की पोस्ट को लेकर के इनफैक्ट जो मरियम है, मरियम औरंगजेब नवाज शरीफ के बेटे, उन्होंने भी कहा है कि हमारी पार्टी ने अभी अपना प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट जो है वो तय नहीं किया है। कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा वो ये प्रश्न जो है अभी तो उनकी राजनीतिक पार्टियों में ही इसके ऊपर बहस चल रही है। और मिलिट्री का जो आपने कहा उसमें तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली मिलिट्री हमेशा से इन्वॉल्व जो है वहां रही है। लेकिन वहां का जो आप देखेंगे कि जो केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर है उसने कहा कि भाई दुनिया भर के आरोप लग रहा है, आप ये बताओ इमरान खान के सपोर्टर्स जो आरोप लगा रहे हैं, अगर इस तरह का धांधली हुई होती तो उनके सपोर्टर्स जीत के कैसे आते? जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट उनके जीत के आए हैं वो लगभग 100 के आसपास आए, वो इतनी बड़ी संख्या में कैसे जीत के आते अगर ऐसी धांधली हुई होती? तो ये इसका कहा कि प्रमाण है। लेकिन फिर भी इसकी चौतरफा जो है निंदा हो रही है। और जल्दबाजी में कौन है अब सरकार बनाने को लेकर के, आप देखेंगे कि मिलिट्री जो है उन्होंने स्टेटमेंट जारी कर दिया कि भाई कैसे भी जो है कोई सरकार बनाए, और पहली प्रायोरिटी जो है वो रहेगी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नवाज शरीफ की जो पार्टी है वो मिलकर के कोई सरकार जो है वो बनाए। जहां तक प्रांतों की बात है उसमें नो डाउट बलूचिस्तान में सबसे ज्यादा हिंसा हुई है, लेकिन बलूचिस्तान में ना तो इमरान खान का कोई बड़ा वर्चस्व है, ना ही नवाज शरीफ का उस तरह का जो वर्चस्व है। इमरान खान का जहाँ है खैबर पख्तूनवा जो इलाका है उसमें सबसे ज्यादा है, और पंजाब में भी उनकी सरकार जो है रही है, और खैबर पख्तूनवा जो है उसमें भी आप देखें काफी हिंसा हुई है। आरोप तो लगाते रहे हैं क्योंकि उनकी पार्टी के कितने सारे लोगों को जेल में डाल दिया गया, उनकी पार्टी का सिंबल जो है छीन लिया गया, बिना सिंबल के इंडिपेंडेंटली वे लोग लड़े हैं। सरकार बनाने की सिचुएशन में तो वैसे भी नहीं। अच्छा, इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट है जीत के आए हैं उनमें भी कई सारे लोग जो नवाज शरीफ की पार्टी को ज्वाइन कर लिया, 6-7 लोगों को तो आज जो आ रहा था मीडिया में कि उन्होंने जो है इनको ज्वाइन कर लिया, क्योंकि सरकार जिसकी बनेगी उसकी तरफ जाएंगे काफी सारे इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट जीत के आए हैं वो भी। अभी पूरी तरह से जो है असमंजस। मैं लौट रहा हूँ आपके पास, वापस लौटूंगा मैं, कटेवा साहब के पास में जाना चाहूंगा। सर, सेना का काफी दखल है वहां पे, और सेना अपने हिसाब से चाहती है, और
सेना अपना वर्चस्व मुशर्रफ से ही हम ले लेते हैं, कारगिल युद्ध की वजह वो खुद बने, तो ये कुछ इसका पॉलिसी पे असर पड़ेगा? क्योंकि कई बार हम लोगों की रेंजर्स के साथ भी डायलॉग होता है, दूसरे मुद्दों पे भी चर्चा होती है, द्विपक्षीय वार्ता भी होती है, तो ऐसे एक स्थायी सरकार की अभी तो मुझे नहीं दिखाई दे रहा कि जो त्रिकोणीय वहां बहुमत मिला है उसमें स्थायी सरकार के कोई चांस लगते नहीं है, और वहां कब क्या स्थितियां बन जाएं कोई पता नहीं है, तो कठपुतली सरकार की तरह रहेगी। और जिस तरह से मैं जनरल मुनीर की बातें सुन रहा हूं, उनके स्टेटमेंट्स, उनके ऑर्डर्स और उनके बारे में जो सुन रहा हूं, वो भी यही है कि चाहते वो ये ऐसे ही है कि मिलिट्री से ही वहां सब कुछ गवर्न होता रहे, तो असर क्या पड़ेगा हमारे पॉलिसी मैटर्स पे? देखिए योगेंद्र जी, कितना असर पड़ेगा हमारी पॉलिसी पे ये तो बाद की बात है, परंतु जहां तक पाकिस्तान की मिलिट्री का सवाल है, कितनी भी सरकारें पाकिस्तान की आई हैं, वो सारी की सारी रिमोटली कंट्रोल रही हैं आर्मी के साथ। ये सबसे बड़ी बात मैं बताऊं कि पाकिस्तान में कोई भी इलेक्टेड गवर्नमेंट ने अपना टर्म पूरा नहीं किया है। 70-80 साल में एक टर्म पूरा किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने पूरे 5 साल पूरे नहीं किए, और कितना दखल अंदाज है, कितना मिलिट्री का होल्ड है उनकी राजनीति के ऊपर। ये आप अगर 99 में जैसे कर्मवीर जी बता रहे थे कि मुशर्रफ ने कारगिल की लड़ाई की रचना रची बिना किसी गवर्नमेंट के उनके नॉलेज के, और दूसरी बात जब वो बाहर से वापस आ रहे थे और एयरबोर्न थे जनरल मुशर्रफ, उस टाइम पर इन्होंने जो वहां पर इनकी सरकार थी पीएमएल की, उस सरकार ने उनको लैंड करने के लिए ऑर्डर कैंसिल कर दिया कि उनका हवाई जहाज उतरेगा नहीं। नवाज शरीफ की सरकार थी, वो प्राइम मिनिस्टर थे, आप मानेंगे नहीं, उन्होंने एयरबोर्न होते होते तख्ता पलट दिया, प्राइम मिनिस्टर को के रेजिडेंस को और पूरी की पूरी जो इंस्टीट्यूशंस थी उस पर मिलिट्री ने कब्जा कर लिया, और उसके बाद मुशर्रफ का हवाई जहाज नीचे उतरा। तो इतना होल्ड पाकिस्तान की मिलिट्री का हम इनके ऊपर रहा है। और जैसे करमवीर जी बता रहे थे, जो भी गवर्नमेंट, सिविलियन गवर्नमेंट चाहे वो इलेक्टेड है, जो भी आर्मी की लाइन टो नहीं करती है, उसके साथ उनके भेदभाव होते हैं, तो वो कोई ना कोई बहाना बना करके उनको हटा देते हैं। यही उन्होंने नवाज शरीफ के साथ किया, और यही उन्होंने उससे पहले भुट्टो के साथ किया, यही उनकी जो दूसरी बेनजरी भुट्टो थी वो तो खैर उनकी तो हत्या कर दी गई थी, पर जितने भी सरकार बने गए हैं उन सबको उन्होंने बीच में ही उठाल दिया है। अब इस चुनाव की बात है, इस जो चुनाव हुआ है उसमें शायद इनकी पीएमएल की और आर्मी की अंडरस्टैंडिंग थी, और चाहते थे कि पीएमएल की गवर्नमेंट बन जाए। बिल्कुल, उस गवर्नमेंट को बनाने के लिए उन्होंने नवा जो उनकी इमरान खान की पीटीआई की सरकार थी, ड्यूली इलेक्टेड थी, और उनकी पॉपुलरिटी पाकिस्तान के मासेज में थी, ये इस चुनाव से हमको पता चलता है, उनको हटाया। उनको जब हटाने की बात चल रही थी तो कितना सारे दंगे हुए, और एक कोर कमांडर के घर में आग लगा दी गई। मिलिट्री के कोर कमांडर के घर को इतना जबरदस्त सुरक्षित माना जाता है और सुरक्षा प्रदान की जाती है, उसके वहां पे भी आग लगा दी गई, और वो सारे मुकदमे उनके ऊपर इमरान पे चल रहे हैं अभी। हालांकि चुनाव के रिजल्ट के बाद में उन सब मुकदमों के ऊपर इमरान को बेल दे दी गई है, परंतु जो मेन मुकदमा जिसके कारण उनको जेल है, उसके कारण वो अभी जेल में ही बने रहेंगे। मिलिट्री की इंटरफेरेंस के बावजूद और इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्टिंग के बावजूद कि फेयर एंड इलेक्शन नहीं हो रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, और इसमें मिलिट्री का अंदाज है रिगिंग बहुत जबरदस्त हो रही है या हुई है, ऐसी बातें चलती रही। और जैसा कि आपने बताया, काउंटिंग के लिए उन्होंने 3 दिन 3.5 दिन तक उन्होंने रिजल्ट डिक्लेयर नहीं की, और ना हाँ और ना इलेक्शन के बारे में कोई चीज नहीं आ रही थी, जो कि 1.5-2 दिन में इलेक्शन डिक्लेयर हो जाती, पर उन सब के बावजूद भी मिलिट्री ने सोचा या देखा होगा कि रिजल्ट्स उनको डिक्लेयर करने पड़े। और जो इंडिपेंडेंट हैं, जैसे करमवीर जी ने बताया, पीटीआई के 93 इंडिपेंडेंट जीते हैं, 8 इंडिपेंडेंट दूसरे भी जीते हैं जो किसी पार्टी के नहीं है। तो अभी जो पीएमएल की तरफ जो झुकाव जिनका आया है 4-5 इंडिपेंडेंट्स का, वो दूसरे इंडिपेंडेंट है, हालांकि एक इंडिपेंडेंट इनकी
पीटीआई का भी है, वो भी अभी पीएमएल की तरफ आ गया है, इसका हमारे फॉरेन पॉलिसी पे क्या फर्क पड़ेगा? खास करके मिलिट्री टू मिलिट्री हमारी अभी ताकत इतनी बढ़ गई है, और पाकिस्तान क्योंकि पिछले 4-5 साल से फाइनेंशियली भी बहुत डाउन हो गया है और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी रही है, उनको फॉरेन एड्स भी बंद हो गई हैं, तो उस हालत से इस हालत में पाकिस्तान नहीं है कि वो फुल फ्लेज्ड वार हमारे साथ कभी करेगा। हालांकि जो टेररिस्ट को मदद करना और इस तरह की जो हरकतें हैं वो अभी भी करते रहेंगे। अब कैसे सरकार बनती है, क्योंकि मुनीर साहब, जनरल मुनीर ने पॉलिटिशियंस को रिक्वेस्ट किया है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को अवॉइड करने के लिए सारे पॉलिटिशियंस मेजोरिटी दिखाएं, जैसा कि किरोड़ी सिंह जी ने दिखाया था। सेना अध्यक्ष का इसमें कोई बोलने का मतलब नहीं है, या तो केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर कक्कड़ साहब ने ये स्टेटमेंट देना था या राष्ट्रपति जी ने देना था। तो आर्मी का कितना होल्ड है नॉर्मल गवर्नेंस में पाकिस्तान में, ये सब सिर्फ ये स्टेटमेंट ही बताता है। और कितने सारे आर्मी चीफ हैं जो अपना टेन्योर बढ़ाते रहते हैं और जो 3 साल के बजाय 4 साल 5 साल 3 साल तक आगे चलते रहते हैं। सरकारें 5 साल भी नहीं चल पाती हैं, वो इच्छा हो जब रिटायर होंगे लंबे समय तक चलते रहते हैं। हाँ, तो इस तरह का ये हमारे देश के दो पड़ोसी हैं जहां मिलिट्री फुल्ली एक तरफ तो फुल्ली कंट्रोल है, वो है म्यांमार में, और पाकिस्तान में रिमोटली कंट्रोल गवर्नमेंट है। ये दोनों देश कई सालों से, कई दशकों से मिलिट्री रूल के से या तो रिमोटली कंट्रोल है या डायरेक्टली मिलिट्री इनको रूल कर रहे। जी बिल्कुल, मैं वापस आता हूं आपके पास, समय थोड़ा कम है, मैं 30-30 सेकंड चाहूंगा। करोड़ी सिंह जी, जितना डिले होगा पाकिस्तान में उतने ही पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम्स कही जा सकती हैं, मैं बहुत शॉर्ट में चाहूंगा। देखिए योगेंद्र जी, निश्चित रूप से जितना डिले होता है स्थिति कॉम्प्लिकेटेड बनती जा रही है, लेकिन मुझे लगता है कि किसी न किसी रूप में गठबंधन सरकार बन जाएगी, और इस सरकार को हम 71 से कंपेयर नहीं कर सकते, उस समय की परिस्थितियां अलग थी, आज की अलग है। मैं बिल्कुल संक्षिप्त में, जो भी गठबंधन की सरकार बनेगी उसके सामने 5 प्रमुख चुनौतियां आएंगी। पहली चुनौती ये होगी कि राजनीतिक स्थायित्व कैसे दिया जाए, और उस स्थायित्व के साथ साथ पाकिस्तान की मिलिट्री आर्मी और जो ISI डीप स्टेट का ऑर्गन है, उन दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग होता है, उनमें संतुलन कैसे बनाए, तो सबसे पहले तो ये 2 चुनौतियां होंगी। तीसरा होगा अर्थव्यवस्था की जो हालात है उसको पटरी पे कैसे लाया जाए, जन सामान्य की हार्डशिप्स बढ़ रही है, फॉरेन रिजर्व बिल्कुल खत्म हो चुका है लगभग, और महंगाई बढ़ रही है, ये तो उनके इंटरनल है। फिर बाहर से जो चुनौतियां आएंगी, सब पड़ोसियों से पिछले कुछ महीनों से रिश्ते बहुत बिगड़ गए हैं, ईरान से, अफगानिस्तान से, भारत से तो पहले ही बिगड़े हुए थे। इसके अतिरिक्त जो सुपर पावर हैं, चाइना, सऊदी अरब, अमेरिका, ये मेन डोनर हैं, तो उनमें कैसे संतुलन बैठाएंगे, क्योंकि चाइना का अपना प्रभाव है, अमेरिका का अपना है, सऊदी अरब का अपना प्रभाव है। तो ऐसी स्थिति में जो भी गठबंधन की सरकार बनेगी, इन सब चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, गवर्नमेंट किसी की बने, गवर्नमेंट किसी की बने, लेकिन ये चुनाव, ये जो चुनौतियां हैं ये मुंबई खड़ी रहेंगी। मैं करमवीर जी आपके पास में आना चाहूंगा, थोड़ा शॉर्ट में चाहूंगा क्योंकि समय हमारा हो चुका है। जितना विलंब होगा, हालांकि मैं इस बात से सहमत हूँ क्योंकि मिलिट्री का दखल इस ओर है कि जल्दी से जल्दी गवर्नमेंट बननी चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट बन भी जाती है, अगर हम पिछला रिकॉर्ड देखें तो 5 साल कोई नहीं कर पाया, 5 साल में 2 प्रधानमंत्री बैठा दिए गए, ऐसे भी स्थितियां बनी है उनके यहाँ पे। तो क्या लगता है आपको कि ये गठबंधन में कहीं सबसे बड़ा जो एक टूटने वाला वजह होती है वो होती है वहां पे भरोसा नहीं होना, और अभी भी वही स्थिति है क्योंकि अपने अपने तरीके से हो गए, फिर सेना के अपने हित हैं, तो ऐसे में ये मान के चल सकते हैं कि सरकार बनेगी जरूर, लेकिन अब वो कितने दिन की होगी ये कहना मुश्किल है। जी बिल्कुल योगेंद्र जी, सही कहा आपने। मुझे डाउट है कि 5 साल जो कोई भी गठबंधन सरकार वहां की चला पाएगी, क्योंकि एक तो अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नवाज शरीफ के पार्टी में देखें, आपस में हितों का उनमें टकराव है, अभी तो पावर पोजीशन के शेयर को लेकर के ना टकराव है, और वैसे आइडियोलॉजिकली भी दोनों में काफी डिफरेंसेस है। सो एक तो ये मुद्दा रहेगा, दूसरा अगर आर्मी चीफ का तबादला हुआ, किसी और को आर्मी चीफ बनाया गया, तो ऐसी सिचुएशन में भी पूरी संभावना है कि
पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है वो दोबारा आए, और तीसरा जो है सुप्रीम कोर्ट का भी रोल, क्योंकि कई बार ऐसा रहा, आप देखेंगे परवेज मुशर्रफ को भी पॉलिटिक्स से हटाने वाले सुप्रीम कोर्ट ही है वहां जब जजमेंट आया था 2007 में। तो इस समय भी अगर कोई सुप्रीम कोर्ट वहां से इस तरह का कोई जजमेंट दे देता है तो उस स्थिति में भी मुझे लगता है कि एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का दौर दोबारा से आ सकता है। So, अब ये नहीं कह सकते कितने समय तक जो है ये सरकार जो है अगर बनने वाली सरकार है वो टिकेगी और किस हद तक वो अपने समस्याओं से जूझ पाएगी। बिल्कुल, मैं जनरल कटेवा साहब के पास में जाना चाहूंगा। सर, क्या लगता आपको कि किसी भी देश की पॉलिसी जो होती है उस पर असर पड़ता है अस्थिर सरकार का, तो यहाँ सेना के अगर उस पर बात करें हम, हालांकि देखिए आज पाकिस्तान का, लेकिन फिर भी वो छदम छुटपुट घटनाएं करता रहता है, कभी आतंकियों को भेज देना, कभी और कुछ करना, कभी और कुछ करना। आज हालांकि हम बहुत सशक्त और पूरी तरह से मुस्तैद हैं, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि सेना रिमोट से अगर गवर्नमेंट चलाती है तो उसके नुकसान ज्यादा होते हैं, क्योंकि वहां एक बड़ी चुनौती ये भी है कि चुनी हुई सरकार को फ्रीडम कैसे रहेगी, क्योंकि अभी करोड़ी सिंह जी ने सही फरमाया कि ये अपील करना कि जल्दी से जल्दी सरकार बना लें, तो ये कुछ इंगित करता है। हाँ देखिए योगेंद्र जी, पाकिस्तान में मिलिट्री का इंटरफेरेंस पाकिस्तान को इस हालत के लाने के लिए काफी हद तक जिम्मेवार। हम पाकिस्तान और भारत एक साथ, हमको आजादी मिली थी, हम कहां के कहां चले गए और पाकिस्तान कहां अभी भी स्ट्रगल कर रहा है, और अभी तो बिल्कुल ही ऐसी सिचुएशन पे आ गया है कि जैसे बनाना रिपब्लिक की ओर बढ़ रहा है। उनकी इकोनॉमी इतनी खराब है, भूखमरी फैल रही है, उसके बावजूद भी आर्मी अपना रेलेवेंस खत्म नहीं कर देगी। मेरा यह ख्याल है कि जब भी आर्मी को रेलेवेंस के लिए उनको एंटी इंडिया जो उनका पोस्चर है वो बनाए रखेंगे और उग्रवादियों को मदद करने की वो कोशिश करते रहेंगे, उसमें उनके में कोई बदलाव नहीं आने वाला, चाहे कोई पार्टी वहां पर राज में आए। एक लाइन में यहाँ पे समाप्त करने से पहले कहूंगा कि पाकिस्तान आर्मी की एक खींच है ये, चाहे कारगिल और उससे पहले की जो लड़ाइयां हैं उसमें जो उसकी हार है वो आज तक उस खींच को नहीं मिटा पा रहा, और यही बड़ी वजह है, और कोई उसका हित ऐसा नहीं है, किसी न किसी माध्यम को लेकर के वो बीच बीच में इसी तरह से टेररिस्ट को सप्लाई करना हमारे यहाँ से एनक्रोच करके या किसी भी माध्यम से, मानिए बस वो एक ही सबसे बड़ी बात है उनके, और वो ये हमेशा एक एजेंडा रहता है कि हिंदुस्तान के साथ में कैसे वहाँ डिस्टर्ब किया जाए, बस एक एजेंडा है। जिस दिन आर्मी ये समझने लगेगी, पाकिस्तान की आवाम ये समझने लगेगी, पाकिस्तान की सरकार समझने लगेगी, तो मुझे लगता है कि हमसे ज्यादा खुद के अपने मुल्क का फायदा होगा। खैर चलिए, हम तो खुद भी चाहते हैं, भारत के डीएनए में भी है कि सब जगह शांति बहाली रहे, और हम चाहेंगे कि पाकिस्तान की जनता ने जो मैंडेट जिसको भी दिया, आधा अधूरा दिया, वाकई को बनाए और उसकी इज्जत करें, उसकी लाज रखें, और दूसरे के दाएं बाएं सोचने से ज्यादा अगर अपने खुद के यहाँ सोचेंगे तो ज्यादा फायदा पाकिस्तान का ही होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।